नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी सिंह। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर है, जहां देसी कट्टा के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देसी कट्टा बेचने की फिराक में थे आरोपी। आपको बता दें कि मामला इस प्रकार है कि मोबाइल से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पीपरहट्टा के तरफ से काले रंग की मोटरसाइकिल पे दो व्यक्ति देसी कट्टा लेकर छूरा की तरफ आ रहे हैं। सूचना की गंभीरता के अनुरूप जिला गरियाबंद के पुलिस कप्तान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले के दिशा निर्देशन थाना छूरा तथा गरियाबंद की स्पेशल टीम द्वारा मुखबिर सूचना की तस्दीक कार्यवाही दौरान कोसमपुरा तिराहा चौक के पास घेराबंदी की गई। कुछ ही समय में मुखबिर के बताए अनुसार मोटरसाइकिल में सवार दो व्यक्ति चौक की तरफ आए, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास करने पर पुलिस को देखकर भागने लगे। 12/2022 को छुरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला कि पल्सर गाड़ी में दो व्यक्ति जो है अपने पास में देसी कट्टा रखे हुए हैं। सूचना को वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के थाना छुरा तथा स्पेशल टीम के साथ में संयुक्त कार्रवाई कर कुसमगुड़ा तिराहा के पास में दो आरोपी वसीम खान और अहमद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से एक देसी कट्टा और घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है और आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है, जिसे पुलिस के माध्यम से।